हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम लोग ग्राफ के बाद जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसका और क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्लासेस में ग्राफ में हमने देखा था कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, उसका स्लोप क्या देता है, उसका एरिया क्या देता है, ये सब चीज़ें हमने उसको कवर किया था और उसमें कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज उसके बाद हम लोग कुछ एडवांस लेवल के या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसी का एक्सटेंडेड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट ऑन द टेक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एरोप्लेन शोज दैट द एक्सेलरेशन वैरीज एज अ शोन इन द फिगर एंड दैट इज द टेक द 12 सेकंड टू टेक ऑफ फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन द डिस्टेंस अलोंग द रनवे कवर्ड बाय द एरोप्लेन इज। तो हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है और ये पूछ रहा है, कह रहा है कि जब कोई एरोप्लेन है टी इक्वल टू जीरो से रेस्ट से ही वो एक्सेलरेटेड है और एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट नहीं है। बच्चों देखो, एक्सेलरेशन ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसको समझने के लिए और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग से लेकर जब वो टेक ऑफ कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब तक के जो हमने क्वेश्चन देखे थे वो सिंपल थे, मीन्स आप एरिया लेते थे तो आपको कुछ वहां से मिल जाता था, एक्सेलरेशन वर्सेस या स्लोप लेते थे तो मिल जाता था। अभी क्या है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का है तो इसका एरिया अगर लें तो क्या देगा, भले इसको समझ लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम का जो हमने देखा था तो क्या देता था, स्पीड या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो मिलेगा, ठीक है इसमें वेलोसिटी मिल जाएगा, लेकिन हमें तो डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करें। अब इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है तो हर पॉइंट पे क्या होगा, वो वेलोसिटी भी इंक्रीज करते जाएगा, तो अब क्या किया जाए। तो इसके लिए आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसके दो पार्ट है, एक पार्ट में तो आप क्वाइट उसको समझ सकते हैं, मतलब कि इसमें एक तो जीरो से लेकर सिक्स तक एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, उसका सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और अगर हमें स्पीड अगर निकालना होगा एट एंड ऑफ द सिक्स सेकेंड यहाँ पर, तो उसका स्पीड क्या आ जाएगा। अभी मैं दूसरे पार्ट के लिए बता रहा हूँ, एक पार्ट के लिए इसको अलग से बताएंगे और सेकेंड पार्ट को अलग से बताएंगे। तो इसका अगर सेकेंड पार्ट के लिए इसको नेमली टू से दिखा देता हूँ, ऐसा एस टू, तो इसमें क्या होता है, इसका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया बच्चों कि टाइम इज कांस्टेंट है, सॉरी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, कितने 6 टू 12 सेकंड के बीच में, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लिया जाए और उसको जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, इसका उस समय तक स्पीड कितना गेन कर ले रहा है, गेन कितना किए, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा क्योंकि एक्सेलरेटेड कर रहा है, तो वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगा उस समय का। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें या फर्स्ट इक्वेशन, हाँ आप इसका एरिया भी देख सकते हैं, तो एरिया अगर आप देखेंगे तो कितना जाएगा, 1 बाई टू इंटू फाइव इंटू सिक्स, तो 15 मीटर पर सेकेंड ये इसका आ जाएगा। तो इसके इस पार्ट का अगर आप निकालेंगे 15 इंटू मतलब एंड ऑफ द सिक्स सेकेंड इट हैव द स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, तो अब इसका 15 इंटू सिक्स करते हैं प्लस 1 बाई टू इंटू, उस समय तो कांस्टेंट है ही है, और 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 36, 66 जो 36 और बाई टू इज 18, 85 जो 90, तो कितना हो गया 180 मीटर। इस पार्ट में तो 180 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अब सारा खेल इसमें है, फर्स्ट पार्ट में 0 टू 6 में अगर वो जा रहा होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं, तो क्या किया जाए, इसका एरिया निकालेंगे बहुत से बहुत, हमें 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड मिलेगा। अब क्या किया जाए, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सारा क्यों गड़बड़ हो जा रहा है, मेरा जितना भी इक्वेशन हम लोग क्यों अप्लाई करने में हिचक रहे हैं, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन से भी अगर करें तो हमें एक्सेलरेशन को कॉन्स्टेंट रखना है,
जो डिराइव किए थे, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं, इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस के लिए तो अब हमें इससे बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक से मतलब इसका कुछ ग्राफ के हेल्प लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो आपने पढ़ा होगा बच्चों मैथ में। इसमें इस लाइन का अगर हमें कुछ मिल जाए इक्वेशन तो हम बता सकते हैं। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? अगर टाइम है 6 यहां से यहां तक और एक्सेलरेशन है 5, तो यही होता था ना स्लोप इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी में। तो आप यहां से देखेंगे तो y एक्सिस हमारा 5, एक्सेलरेशन वाला है 5 और टाइम है 6, तो 5 बाई 6 हो गया। x कोऑर्डिनेट की जगह पे t ले लेंगे ऐसा, ये बोलिए यहाँ ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी में इसका जो स्लोप होगा 5 बाई 6 और x एक्सिस टाइम एक्सिस है, तो इसलिए t ले लिया। t इक्वल टू 0 है, अगर t इक्वल टू 0 पर a भी 0 है, बेसिकली c क्या होता था y इंटरसेप्ट, तो ये 0 हो गया और y एक्सिस में क्या है a, तो हमें ऐसा मिला एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 बाई 6 t स्क्वायर। तो हम अब हम यहां से एक्सेलरेशन एक बार हमें मिल गया इन द फंक्शन ऑफ टाइम t, तो हम जानते हैं ना उसका क्या कर सकते हैं। अगर पोजीशन निकालना होता था, अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता था वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा इस पोजीशन जो हमें चाहिए या डिस्टेंस। तो इस केस में आ जाइए, इसको डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 बाई 60, तो डीवी इक्वल टू 5 बाई 6 इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाई 6 t इसके अंदर है तो t स्क्वायर बाई 2, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 12। ऐसा, अब उसके बाद फिर से एक बार इंटीग्रेट कर लें इसको, आइए दूसरे पेज पे दिखा देता हूं। v इक्वल टू 5 बाई कितना था वो 12 t स्क्वायर, तो यहां से dx बाई dt क्या हो जाएगा 5 बाई 12 इंटू टी स्क्वायर, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाई 12 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर लेंगे तो x इक्वल टू 5 बाई 36 टी क्यू। अब हमें जो चाहिए था, तो फर्स्ट 6 सेकंड में हमें इसका यही डिस्टेंस निकालना था ना, फर्स्ट 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस है ये वाला एस टू पार्ट, तो कितना है 0 टू 6, तो अगर उसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 5 बाई 36 इंटू 6 का क्यूब, तो 36 है 6 का स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया 2, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 मीटर, यानी कि जो s1 पार्ट का था वो डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 30 मीटर, और सेकेंड पार्ट में कितना है हमने कैलकुलेट किया था ये वाला 180 मीटर, तो दोनों को अब ऐड कर सकते हैं, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस s इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए s1 प्लस s2, तो इसमें 30 मीटर चला है और दूसरे वाले में 180 मीटर, तो कितना हो गया 210 मीटर। ठीक है, तो ये बात समझ में आया आपको कि फर्स्ट या टेक ऑफ करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 210 मीटर। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात यह था कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपने देखा, और ना केवल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को आपने समझा, और उसमें अगर एक्सेलरेशन अगर इंक्रीजिंग था तो क्या करेंगे, तो आपने इक्वेशन उसका निकालना सीखा और उसमें आपने इस क्वेश्चन में देखा, तो ये एडवांस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और दूसरा स्लाइड ये है, ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पार्टिकल्स ऑन इन ए फिगर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टी इज इक्वल टू 8 सेकंड, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड एज यू मोशन इन द वन डायमेंशन।
तो इसमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और हमसे वेलोसिटी मांग रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सिंपल आपको क्या करेंगे, जब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया लेते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अगर लेते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, वेलोसिटी। तो क्योंकि आपको पता है ना एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होगा, डायमेंशनली चेक कर लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, एक सेकेंड सेकेंड गया तो मीटर पर सेकेंड, तो इसका एरिया मिलेगा। अच्छा अब इसका एरिया निकाल लिया जाए, इतने पार्ट का कितना हो जाएगा, 1/2 इस पार्ट का एरिया, 1/2 इंटू 4 × 4 प्लस, अच्छा इसमें क्या है कि जो वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अपने आप उसका साइन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका एरिया अगर निकालेंगे 4 और 8 का यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया 4, और उस समय ये वाला एक्सिस -1, तो -1 जानबूझ के लिया गया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और जब भी एरिया लेंगे तो उसको माइनस करना होता है। तो आप चाहो तो इसको अलग से भी समझ सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 8 हो गया और यहाँ से -4, तो ये कितना हो गया 4 m/s। 0 to 8 के लिए चेंज इन वेलोसिटी, या मतलब वेलोसिटी 4 m/s, लेकिन क्वेश्चन में ये क्या मेंशन कर रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसका, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 m/s है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड इज 4 m/s, तो चेंज इन, इसको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकते हैं क्या, 4, और इनिशियली कितना है वो 3 m/s, तो फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 8 सेकेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 8 सेकेंड, तो t = 8 सेकेंड में वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना मेंशन है, 3 m/s, तो प्लस 3, तो कितना आ गया 7 m/s, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये डी। ये समझ में आया होगा आपको कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ था, तो उसका एरिया सिंपली क्या देगा, वेलोसिटी। तो उसमें भी हम कॉन्सेंस रहेंगे पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव एरिया था और ये वाला नेगेटिव एरिया था, तो उसको नेगेटिव एरिया को माइनस कर दिया तो हमें ओवरऑल वेलोसिटी मिल गया एंड ऑफ द t = 8 सेकेंड में, तो उसका 4 m/s होगा, लेकिन इनिशियली इट हैव द 3 m/s, तो जो चेंज था वो हुआ 4। अब आप ये सोच रहे हैं कि चेंज कहाँ से आया, डेल्टा भी, तो बेसिकली हमने देखा क्या कि 0 to 8 सेकेंड में कितना हुआ उसका चेंज देखा, तो हमने t = 0 पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये 0, यहाँ पर 0 मेंशन किया हुआ है इस ग्राफ से, सो दैट इज वाई इस समय हमें 0 लेना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन में अलग से क्या गिवन है कि नहीं वो 0 एक्चुअल में नहीं है, वो 3 m/s है, तब उसको हमने इसको चेंज माना और यहाँ पर इसको पुट कर दिया, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 4 m/s। ठीक है बच्चों, आइए अब आते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, करेक्ट एंड इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द बॉडी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई द बॉडी इन द 5 सेकेंड। इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई द बॉडी इन द 5 सेकेंड इन अ मीटर विल बी, तो हमसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पहला डिस्टेंस चाहिए और दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए जैसा जानते हैं कि हम जितने भी करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें कोई साइन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और बच्चों है क्या है? ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम यहाँ मेंशन नहीं है, मीटर पर सेकंड और ये सेकंड में तो है ही है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो हम देखते हैं एरिया अगर हम लेते हैं तो क्या मिलता है, आइदर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए हम एक सारा ऐड कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या करते हैं, उसका हमें साइन देखना होता है, जो पॉजिटिव ग्राफ होगा तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव ग्राफ के लिए नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 3-4 पार्ट कह सकते हो, ये आपका A1 है, ये A2 है और ये वाला A3 है और ये है आपके A4 है, ऐसा। तो अगर A1 का एरिया देखा जाए तो A1 क्या आपको रिमाइंड करवा रहा है, काइंड ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया तो आपको पता होगा 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइन, तो 40 + 20 60 हो जाएंगे और टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 60 m। A2 देखिए, यहाँ पर B2C 2 to 3 सेकेंड 1 है
और ये 20 है, तो 20 इंटू 1 20 मीटर हो गया। A3 इज काइंड ऑफ अगेन राइट एंगल ट्रायंगल दे होगा, ये देख रहे हैं आपको C2D वाले में जब आ रहा है तो वहां पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 इंटू हाइट इज 20 और डी 1, तो कितना हो गया 10 मीटर। A4 अगर देखें, यहां पर A4 देखो ये नीचे की तरफ है तो ये निगेटिव ग्राफ होगा, मतलब इसका एरिया जो होगा निगेटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि -40 देखिए यहां पर है और वहां से 1 to 4 5 है, तो 1/2 4 to 5 1 और उसका बेस और हाइट कितना हो जाएगा 40, या यू कहिए -40, मतलब माइनस दिखा रहे इसलिए क्योंकि उससे हमें क्या होगा, एक सहूलियत मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आप क्वेश्चन चाहेंगे कि गलत भी करें तो गलत तो नहीं होने देगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको -40 रखा, तो -20 मीटर। अब इसका एरिया सबको अगर ऐड करेंगे फॉर डिस्टेंस के लिए, इन द केस ऑफ, यहां लिख दे रहा हूं साफ साफ, इन केस ऑफ डिस्टेंस ऑल ऑफ एरिया विल हैव एडेड, ठीक है बच्चों, जितना भी एरिया होगा एडेड होगा फॉर डिस्टेंस के केस में। तो डिस्टेंस को हम डी से दिखा लें, तो डी इज इक्वल टू सभी एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 80 80 प्लस 10 90 और 90 प्लस 20 कितना हो गया 110, तो ये आ गया 110 मीटर, ठीक है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट इस वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर ये मार्क कर रहा होगा ये चीज, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट इज वाई वी मार्क ऑन द एरो ऑन इट, बिकॉज की जस्ट डिस्टिंगाइज टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आपको साइन कॉन्शियस रखना पड़ेगा, तो इस केस में क्या होगा, जितने एल्जेब्रिक सम बेसिकली हमें करना है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 और माइनस ऑफ A4, तो यहां पर आप देखेंगे 60 प्लस 20 80 80 10 90 और 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 कितना हो गया 70, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कितना था 110 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 70, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी, तो यहां पर देखिए 70 110, तो जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा, उसका भी ध्यान रखिएगा। सब जनरली बच्चे बोलते हैं कि मैंने सारा सब कुछ सही किया और लास्ट में ऑप्शन एक जैसे लगा, तो गलती से गलती हो गया, तो गलती से गलती मत करिएगा, सही से सही करिएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा कि द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द 4 सेकंड। तो ठीक है, ये भी 4 सेकंड, तो अगेन आपको क्या करना है कि डिस्टेंस, इसमें तो कुछ ग्राफ नीचे जा ही नहीं रहा है, तो जो भी एरिया होगा, यहाँ पे ग्राफ नीचे नहीं गया ना, तो जो भी एरिया होगा उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इन दिस केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, जो उसका डिस्टेंस होगा एंड डिस्प्लेसमेंट होगा सेम होगा, क्यों होगा, बिकॉज इट इज नॉट मूव इन द नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, नॉट गोइंग इन नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उसका कोई भी एरिया आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है बच्चों, तो ये याद रख लीजिएगा। तो आइए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके लिए स्पेस थोड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ भी कितने पार्ट हैं, ए टू बी एक पार्ट कर लो, ए टू बी एक पार्ट है, ए दूसरा पार्ट है, ए तीसरा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो इसका ए वन अगर देखें तो ए वन कितना हो जाएगा 0 to 1 20, तो 1/2 into 1 into 20, तो कितना हो गया
10 मीटर A2 के लिए, A2B 1 टू 2 20, तो 20 इंटू 1 तो कितना हो गया 20 मीटर। B2C कैसा है, B2C इज द शेप इज ट्रेपेजियम, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम 2 एंड 3 और सम ऑफ द पैरेलल लाइन, तो ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ ये 10 है, तो 20 प्लस 10 इज 30, 1/2 30 और वो वाला कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 15 मीटर। A4 सो सिंपल, वो आपको रेक्टेंगल है 1 × 10 या 10 × 1 बिकॉज 10 इज दैट पार्ट और 1 इज दैट पार्ट, सो 10, तो इन सबों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 30 40 एंड 15, तो 55 मीटर, तो इसका आंसर 55 मीटर हो जाएगा बच्चों, ये तो इसको समझिएगा। तो सिंपल इसमें एरिया लेना था, इसमें कुछ करने को खास है था नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए मिल गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिगर शोज द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन इफ ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट इन। हाँ, ये क्वेश्चन देखो मजेदार है बच्चों, इसमें क्या बोला है कि द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है और कह रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यही ना। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट 2 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 m/s² फर्स्ट 2 सेकेंड तक। 2 to 4 सेकेंड तक इसमें क्या बोला कि 1 m/s है और फिर क्या किया कि वो रिटार्डेशन होने लगा, तो रिटार्डेशन कितना है -1.5 m/s². ये नहीं बोला कि रिटार्डेशन हो रहा है तो कितने देर में जाके रुकेगा, ये हमें ही कैलकुलेट करना है। कैसे कर रहा है कि ट्रैवल बिफोर कम टू रेस्ट, तो ये आपको अच्छा क्वेश्चन एक मिला। तो आइए, तो इसमें इसमें क्या करते हैं कि पहले एक इसका एक दो मेथड से भी कर सकते हैं, इसका चाहे तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना सकते हैं या एक ये देखिए जो मतलब कि जो बेसिक से अगर सोचे कि क्या हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, इसमें आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो आप दोनों मेथड आपके सामने होगा, जैसा आपको लगेगा वो करिएगा। तो पहला वाला देखिए, फर्स्ट मेथड इसका कि अगर एक्सेलरेशन कितना है कांस्टेंट है फर्स्ट 2 सेकेंड तक, तो इसको मैं लिख देता हूँ S1 कह देते हैं at t = 2 seconds for t is equal to 2 सेकेंड के लिए, तो S1 कितना हो जाएगा इनिशियल और कब कैसे जा रहा है कम फ्रॉम रेस्ट, ये मार्क ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा 0, तो ut + ½ at² अगर इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो इनिशियली 0 है 1/2, ए का वैल्यू कितना है बच्चों 2 और टाइम कितना लग रहा है 2 square, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 4 meters। तो इसमें फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 meters, नेक्स्ट 2 to 4 में उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 m/s², है ना। 2 to 4 में यहाँ से देखिएंगे तो ऐसा ही हो रहा है ना 1 m/s, लेकिन अब क्या होगा कि जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो 2 सेकेंड में कुछ तो स्पीडअप भी हो जाएगा, तो स्पीड निकाल लेते हैं आफ्टर द 2 सेकेंड v = u + at, तो इनिशियल स्पीड इज 0 एक्सेलरेशन इज 2 × 2, तो कितना हो गया 4 m/s। जब इस सेगमेंट में चलेगा 2 to 4 में चलेगा तो उसका इनिशियल समय कितना हो जाएगा स्पीड इस टाइम पर 4 m/s, तो यहाँ से 4 m/s, चाहते तो आप उसका एरिया भी निकाल के देख सकते थे, यहाँ से 2 है और यहाँ से 2 है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 m/s है। तो इस सेगमेंट S2 इसको बोल देता हूँ, तो S2 = कितना हो जाएगा आपका 4 और कितने देर तक चला है 2 सेकेंड तक इसमें, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 1 और (2)² तो 4 × 2 = 8 और एक 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2, तो कितना चला 10 meters। ये समझ में आया बच्चों, देखिए ध्यान से एक बार, इसमें क्या कर रहा है कि v = u मतलब कि सेकेंड इंटरवल जो है 2 to 4 में, तो रेस्ट से चला था लेकिन आफ्टर द 2 सेकेंड इट हैविंग द सम वेलोसिटी, सो हाउ मच इट इज v = u + at से करेंगे तो 2 × 2 4 m/s हो गया। तो अब इस सेकेंड पार्ट में जब s = ut + at² लगाएंगे तो ये 4 m/s वही वाला आया, तो इसको अगर पुट करें तो 10 meters का आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट वो ही आपको मतलब समझना है, मजेदार है वो, क्यों मजेदार है
कि अब ये नहीं बोला कि रेस्ट में कितने देर में आ रहा है, तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहां से आफ्टर द 4 सेकंड के बाद क्या हो गया, ब्रेक अप्लाई किया होगा तो रिटार्डेशन होने लगा होगा। तो फर्स्ट 0 to 4 सेकंड में आप देखेंगे तो उसका स्पीड कितना हो गया होगा। आप चाहो तो 4 मीटर पर सेकंड फिर से इसी इक्वेशन को लगाकर, मतलब दूसरे वाले के लिए, यहाँ का वेलोसिटी v2 के लिए आप कर सकते हैं इज 4 और कितने देर तक 1 से एक्सेलरेट हो रहा था इनटू 2, तो कितना हो गया इज 6 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जब रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ होगा यहाँ पर आफ्टर द 4 सेकंड, उस समय उसका स्पीड कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें ऐसे पता चला। या आप चाहो तो इसका एरिया भी ले सकते हैं, जैसे कि इसका अगर एरिया लेंगे तो कितना होगा 4, और इसका एरिया लेंगे तो कितना होगा 2, तो टोटल एरिया कर दिया पॉजिटिव वाला, तो 6 मीटर पर सेकंड तब भी आ रहा है। तो हमें अब ये कैलकुलेट करना है कि अब ये रुका के कितने में, मतलब रुकने में कितना समय लगा। तो 6 मीटर पर सेकंड है और उस समय रिटार्डेशन कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तो यहां पे लिख देता हूं कि टाइम टेक टू स्टॉप, तो v = u + at अगर लगाते हैं तो फाइनल स्पीड 0 हो गया होगा, और जब ब्रेक अप्लाई किया होगा तो उसके लिए इनिशियली 6 होगा, और माइनस कितना है 1.5 रिटार्डेशन हो रहा है। ये देखो रिटार्डेशन -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, तो वो ले लिया, और कितना है टाइम ही तो फाइंड करना है। तो 6 = 1.5 / t, तो t = कितना हो गया 6/1.5 करेंगे तो 4 सेकंड, तो ये आपका टाइम निकला। तो यानी कि 4 सेकंड के बाद वो रुक जाएगा, तो ये हमें चाहिए था, उस क्वेश्चन का जान यही था। इस क्वेश्चन में जो बोला था ना कम टू द रेस्ट, यही था। तो अब उसके बाद इसका इस पार्ट में कितना चला, तो s3 ले लेते हैं। तो इनिशियल स्पीड इसका कितना था बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड इस केस के लिए, थर्ड पार्ट के लिए जब लगाता है ब्रेक, और कितने टाइम तक चला 4 सेकंड तक, रिटार्डेशन हो रहा है 1/2 × 1.5 × time is 4 सेकंड 4 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 24 - 1/2 × 1.5 × 16, तो 8 हो गया। तो 15 8 जा कितना होता है 120 12, तो इसमें कितना चला 12 मीटर। तो अब तीनों को डिस्टेंस को ऐड अप कर लीजिए, इसमें से पहला 4 मीटर था और ये कितना था 10 मीटर, तो कितने हो गए 14, और ये कितना है 12। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखेंगे एस टोटल 4 + 10 + 12, तो कितना आ गया 26 मीटर। तो इसका आंसर है 26 मीटर चला। तो इसमें आपको समझने के लिए ये थर्ड वाला पार्ट था। यहाँ तक तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहो तो ग्राफ का डायरेक्ट आप 0 to 4 ले, मतलब दो अलग अलग पार्ट का जो सिंपल था, और तीसरा पार्ट ये सोचना था कि जब वो रेस्ट में होगा तो हमें ये लगाएंगे कि उस समय का स्पीड 6 मीटर पर सेकंड था, और जो आपको उधर करके दिखाया, और टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो 26 मीटर वो चला। तो ये एक है, ये पार्ट है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ये मतलब कि बेसिक से था कि इसका हर स्टेप में हमने एनालिसिस किया कि 0 to 2 में क्या हो रहा है, 2 to 4 में क्या हो रहा है, और 4 to कब जाके रिटार्डेशन हो रहा, तो कब जाके रेस्ट में होगा, कितने टाइम लगेगा, तो इट वाज द नेक्स्ट 4 सेकंड तो हमने कैलकुलेट किया। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि सर दूसरा मेथड बताओ फटाफट, उसकी मतलब चाहिए मुझे, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, आइए उसको भी करते हैं। तो इसको पहले हटा लें, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो बच्चों आप, पहले एक तो ये हो गया, दूसरा आप इसको कर लीजिए, ठीक है। आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला था आपको कि इसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और वहां से एकदम से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, तो फर्स्ट 2 सेकंड में क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये अगर v वर्सेस t को अगर कर दें, तो फर्स्ट 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है कुछ इस तरह से होगा, 2 मीटर पर सेकंड से उसका स्लोप है। फिर उसके बाद 2 to 4 में फिर से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट है लेकिन थोड़ा कम है, तो
तो इसका जो स्लोप होगा, मतलब इसको नेमली जीरो कर दें और ए, तो इसका जो स्लोप होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। फिर उसमें आप ऐसा बोल दो जीरो ए बी सी, तो करने में आसानी होगा। तो अब उसमें क्या करेंगे, बी टू ए टू बी में तो वही है, मतलब ए और बी सेम ही पॉइंट है क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट वहीं आ गया ना। फिर बी टू सी में क्या हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब इसका स्लोप और इसका थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 सेकेंड के बाद रिटार्डेशन था, तो हमने पीछे कैलकुलेशन में देखा था कि नेक्स्ट 4 सेकेंड में आप ये टाइम चाहो तो इसको 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये तो 4 है ही है, तो 4 सेकेंड तक का तो ऐसा ग्राफ है। जब रिटार्डेशन हो रहा है तो उस समय का क्या है उसका, अच्छा उस समय इसका 0 to 2 में हमने देखा था कि 0 to 2 में उस समय का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। और जब यहाँ पर बी से सी पे आ रहा होगा एंड ऑफ द 4 सेकेंड, तो उस समय का वेलोसिटी कितना आया था बच्चों, आप चाहो तो मार्क कर यहाँ से भी देख सकते हैं, 2 into 2 into 1 कितना हो जाएगा, इसका एरिया इस 2, तो नेक्स्ट इसमें 4 से और 2 ऐड कर दीजिए, तो ये वाला हो जाएगा आपका 6 ए। और फिर उसके बाद रिटार्डेशन होने के बाद वापस वो क्या हो रहा है, ऐसे रेस्ट में चला जा रहा है, तो फाइनली रुक जा रहा है। तो हमने आपको पिछले वाले कैलकुलेशन में दिखाया था वो कितना था, यहाँ पर दिखाया था ना, ये देखो ये वाला 4 सेकेंड में रुक जा रहा था, वही चाहिए था, तो यहाँ पर इसको 4 सेकेंड, तो यहाँ पर 8 सेकेंड हो जाएगा। तो अब इसका एरिया ले लीजिए तो एकदम से आपको मिल जाएगा, तो इसका फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 × 2 × 4, इसको A1 कह लेते हैं, तो कितना चला 4 मीटर। इस वाले पार्ट का एरिया देखिए A2, तो ये कितना हो जाएगा, काइंड ऑफ अगेन ट्रेपीजियम, तो 1/2, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, मतलब सम ऑफ द पैरेलल लाइन, ये 4 है और ये 6 है, और टाइम इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये 10 मीटर हो गया। अब A3 वाले के लिए देखिए ऐसा, तो यहाँ से इसका 4 है और यहाँ से 4 है, तो 1/2 × 4 × 4, तो कितना हो गया 8 मीटर। ऐड कर दीजिए तो एकदम डिटो भी सेम आ रहा है, बस हमने इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखा दिया, क्योंकि A1 वहाँ भी कितना था 4 मीटर, अगर आपको ध्यान हो, A2 कितना है 10 मीटर, वहाँ भी सेम था, S2 बोला था जो, और S3 यहाँ पर 8 मीटर है, तो पीछे वाले कैलकुलेशन में आप देखेंगे यहाँ पर यहीं पर है 8, ये तो 12 मीटर है, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया क्या गड़बड़ी हुआ, कि नेक्स्ट 4 सेकेंड तक तो ठीक है ए वाला, क्योंकि जो थर्ड पार्ट था एरिया का, तो इसका जो हमने ग्राफ बनाया था ये कितना था, तो ये कहाँ से जा रहा था, 6 से जा रहा है ना, तो यहाँ पर 6 चाहिए था, वही कहूँ कि गड़बड़। अब देखिए गलती करना भी चाहें तो आपको मिल गया, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 6 × 2 = 12, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 मीटर। अब इन सबों को ऐड कर लीजिए, तो आपको टोटल एरिया कितना हो जाएगा, A = A1 + A2 + A3, तो अगेन 4 और 10 14 14 + 12 = 26 मीटर, 26 मीटर इससे भी है। तो ये आप ग्राफ मेथड से देखा, और उसके पहले वाला आपने बेसिक से करके देखा था, तो आप देख लीजिए कैसे आपको कंफर्टेबल है, ग्राफ से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए द कर फॉलोइंग फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर इनका पूछना ये चाह रहे, क्वेश्चन लिखना पूछना भूल गए हैं लगता है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस है, तो अब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, यहाँ से देखिए ये 4 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड है और 2 है, तो इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों,
4 इंटू 2 तो 8 हो गया। इस वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 2 टू 4 है और माइनस 2 है, तो इसका एरिया आप चाहो तो 2 इंटू माइनस 2 कह लीजिए, तो इसका नेगेटिव एरिया मतलब इसको ए टू कह लेता हूँ और इसको ए वन कह देता हूँ, तो कितना हो गया माइनस 4 मीटर। और 4 टू 6 में एरिया किसका कितना हो जाएगा, से नेमली ए थ्री, तो 2 इंटू 2 4 मीटर। तो इसको आप सम करिए फॉर डिस्टेंस के लिए, तो अब बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, बार बार उसको लिख कर बता रहा हूँ इसीलिए कि आप भूले ना, डिस्टेंस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये एरो है ना डिस्प्लेसमेंट पे, तो 8 प्लस 4 प्लस 4 तो कितना हो गया 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट और सॉरी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट के लिए 8 प्लस 4 माइनस 4 तो ये 0 हो गया और यहाँ से क्या हो गया 8 मीटर, तो डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया 16 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 8 मीटर, तो इसका ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो समझ में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज द सोन इन अ फिगर फॉर द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड अ टाइम इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल कम टू रेस्ट। तो ये देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल से कम आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए कि जैसे देखिए फिर से एक्सेलरेशन ऐसा जा रहा है, अब उसका इक्वेशन तो आप देखे थे वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी से इसको निकालना था, तो उतना मेहनत कौन करेगा, फिर उसका इक्वेशन बनाइए फिर उसमें करिए। तो इसमें बोला क्या है कि कम टू द रेस्ट, तो कम टू द रेस्ट क्या होगा, एक चीज़ तो श्योर होगा ना कि जब भी इस तरह का बातें होगा कम टू इन द रेस्ट, इट मीन्स कि पार्टिकल इज इन द वेलोसिटी विल बी द जीरो, पार्टिकल कम इन टू द रेस्ट मीन्स वेलोसिटी विल बी जीरो, यही ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो कैसे होगा, तो अब इसका तो इक्वेशन निकालो और बहुत सारा माथापच्ची होगा, तो उतना काम आपको नहीं करना है, ये फटाफट आपको ऐसा मिल जाएगा। देखो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है 0 to 1, ये पॉजिटिव होगा ना, और ये वाला एरिया इसको मैं हमेशा से निगेटिव ले रहा हूँ, तो दोनों का सेम एरिया, इसका 1 इन इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और इसका भी एरिया आप निकालेंगे तो कितना आएगा इस 1, क्योंकि इसका बेस 1 है और 2 मतलब आप ये करते हैं ना 1 by 2 into 1 into 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना होगा 1, तो एग्जैक्टली सेम ही भी है तो 1, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि 2 सेकंड में फर्स्ट 1 सेकंड में तो कुछ इसका होगा 1 मीटर, 1 टू 2 में भी 1 मीटर चल रहा है बट निगेटिव में, तो इसलिए फर्स्ट टू ए वाला 2 सेकंड में यहाँ पर रेस्ट में होगा, फिर अगेन 3 टू 4 में ए भी पॉजिटिव और ए निगेटिव, तो अगेन फिर से वो 0 हो जाएगा, तो एंड ऑफ द 4 सेकंड पर तब रेस्ट होगा, तो 0 पे तो रेस्ट में तो है ही है, इनिशियली एट रेस्ट बोल ही रहा है, टी इक्वल टू 0 पर तो है, साथ में आउट कितना पर होगा जब 2 सेकंड पर होगा और जब 4 सेकंड पर होगा तब वो रेस्ट में होगा। तो ये बात समझ में आपको आया होगा, सिंपली आपको एरिया इसके अंदर देखना था कि एट फर्स्ट 2 सेकंड में इसका एरिया कितना था, दोनों का सम अप करके देख रहे तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर 0 हो रहा था, और 2 टू 3 और 3 टू 4 वाले इंटरवल में 2 टू 4 में अगर देख रहे हैं तो उसका भी एरिया उस समय 0 है, तो इसीलिए हमें इसका जो वेलोसिटी का जब हम सम करेंगे नेट वेलोसिटी के लिए तो इसका एरिया फॉर 0 टू 2 सेकंड में तो 0 आएगा, और फॉर 2 टू 4 सेकंड में तो उसको वेलोसिटी के लिए भी 0 होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 पे तो है ही है साथ में 2 एंड 4 भी है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक आइए और देखते हैं इसके बाद। हाँ ये देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑन ए मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन वेरीज विद द टाइम शोन इन द डायग्राम। अच्छा डायग्राम को गायब कर दिया है क्या, फोर्स इज पैरेलल टू द वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्स इज पैरेलल टू द वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए ये भूल गए हैं,
हाँ अब देखिए, बेसिकली द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन वैरीज विद द टाइम एज सोन इन अ फिगर. दैट फिगर इज द फोर्स वर्सेस टाइम. ये आपको दिख रहा होगा, ये हमें गिवेन है. तो हमें बताना है कि फोर्स इज पैरेलल टू द वेलोसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स स्पीड एंड टाइम ग्राफ. तो ठीक है, तो अभी इसमें फोर्स का बेसिकली क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए हम तो जानते हैं, एम तो कांस्टेंट है. तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आप इसको समझ सकते हो. तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है ना, फिर से वही वाला. तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए हम देखेंगे, तो अभी इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा होगा, वो भी इंक्रीज कर रहा होगा. तो इंक्रीज किया, तो इंक्रीजिंग में तो एक ये ऐसा है और एक ऐसा है. अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो डिक्रीजिंग वाले स्लोप के लिए होता है. इसका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इसको हमने क्यों पिक किया, कि क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा. तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है, इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इन तीनों के लिए है, इसके लिए तो एक रूल आउट हो गया. फिर उसके बाद फिर एक्सेलरेट करने के बाद फिर वो जीरो हो रहा है, रेस्ट पे चला गया, तो डी एक्सेलरेट कर रहा है. तो डी एक्सेलरेशन वाले ग्राफ के लिए देखिए, जहां पर उसका स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा. तो यहां पर अगर स्लोप के लिए देखें तो डिक्रीज तो है, लेकिन इसका जो होना चाहिए, या इसके लिए देखिए, इसमें तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और वहां भी अगर हम स्लोप देख रहे हैं तो वहां डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो इस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए नहीं रहता है, कि जैसे एक्सेलरेशन और टाइम के लिए वो रेक्टेंगल पैराबोला होता हो जाता है. तो आपको ध्यान होगा कि जब मैंने आपको पोजिशन और टाइम के बीच में ग्राफ बताया था, जब पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो तब उस केस में आप क्या करेंगे. तो पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता था तो आपको याद है ऐसा ही ग्राफ होता था, एक्स वर्सेस टी वाला, एक्सेलरेटेड के लिए और डी एक्सेलरेटेड के लिए ऐसा. तो एग्जैक्टली वो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन के लिए ऐसा होगा. और इसमें और इसके लिए क्या है कि हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, तो हमें नहीं पता ना कि वेलोसिटी विल भी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए रूल आउट हुआ. ये वाला तो इंक्रीज कर रहे तो था ही नहीं कभी. तो डिक्रीजिंग स्लोप के लिए ऐसा, और कुछ देर के बाद ऐसा पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि अगर आपका फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ था तो आपको बेसिकली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का था. तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग था, तो यानी कि और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग था, तो ये वाला इधर से गया एक्सेलरेट करते हुए. फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट हो रहा, तो फिर उसके बाद इस तरह का ऐसा. तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. देखिए, करेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, इट्स वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज. तो कभी भी आपको पता होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली वो किस में रहता है, इस मोमेंट पर, वो रेस्ट में होगा. और जैसे जैसे वो हीट कर रहा होगा बॉडी को, सॉरी ग्राउंड को जब हीट कर रहा होगा तो एक्सेलरेट होते जा रहा होगा, तो वेलोसिटी किसका कीप इंक्रीज हो रहा होगा. तो इसमें पूछा है, लेकिन इसमें अभी तक आप जो जानते थे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए आप देखते थे, यही होता था. लेकिन इस पर वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस के लिए पूछा हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा है. तो मोशन इन वन डायमेंशन है तो दोनों सेम होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो अभी हम इसको इस तरह का जब ड्रॉपिंग वाला जो के है तो टाइम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है. तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के लिए आपके पास क्या था इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. तो इनिशियली ये तो शून्य है, वी स्क्वायर इक्वल टू टू एस. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि ग्रेविटी वहां पर होगा, तो जी कांस्टेंट होता है. तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस. तो एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस. तो ये तो क्या इसमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली कि लीनियर तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो रूल आउट हुए. वेलोसिटी कह रहा है कि इंक्रीजिंग मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन साथ साथ वो लीनियर नहीं है, इस तरह का है, वी स्क्वायर के लिए ऐसा है. तो इसमें आप देखेंगे कि आपको ऐसा याद होगा, वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का होता है. तो इसमें एक्स स्क्वायर के जगह पे कौन है, वी स्क्वायर, और वाई के जगह पे क्या है, एच. तो एस इधर है,
तो इसमें आपको इस ग्राफ के लिए आप जा सकते हैं, है? क्योंकि y इक्वल टू x स्क्वायर है और y के जगह पे ऐसे, तो y को इसने उल्टा कर दिया बेसिकली, इसको वेलोसिटी वर्सेस s कर दिया है, तो मतलब y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये जो बनाया था y इक्वल टू x स्क्वायर, तो y एक्सिस इधर है, तो y के जगह पे y इक्वल टू x स्क्वायर इधर, यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ, y इक्वल टू x स्क्वायर ऐसा है और आपका इसके जगह पे वहाँ पर हमें वेलोसिटी है, तो इसके जगह पे v है और इसमें v स्क्वायर और y के जगह पे s है। तो अगर s वर्सेस मतलब कि, और हमें बनाना क्या है, वेलोसिटी वर्सेस s, तो मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेट हमें चेंज करना है, तो ठीक है, तो v ठीक है, तो फिर यही आपका इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये वाला बनेगा, कि क्योंकि पैराबोला अगर इक्वेशन आपने देख रखा होगा तो चार तरह का होता है ना पैराबोला, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो बेसिकली ये वही वाला है, x s इधर हो जा रहा है, v इधर हो जा रहा है, तो इसमें s इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का पैराबोला ऐसा बनता है, तो इसलिए ये आपका ग्राफ निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ द टू व्हीकल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट द सेम टाइम इज गिवन इन द फिगर द स्टेटमेंट दैट कैन बी डिड्यूस करेक्टली। तो हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का दो ग्राफ गिवन है और ये आप देख रहे होंगे कि कर्व में, तो वॉट एवर कुछ भी हो, हमें बस एक चीज तो इसमें समझ सकते हैं कि अगर कर्व है और दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है, तो इस वाले का और स्लोप क्या मिलता था, वेलोसिटी वर्सेस का एक्सेलरेशन, बोलो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक्सेलरेशन मिलता था। अब ए को देखिए और बी को देखिए, तो स्लोप किसका ज्यादा है, तो आप ए को पाएंगे इसका स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी के लिए, मतलब यहां से अगर पैरेलल लाइन अगर आप करके देखेंगे तो एंगल आप देखिए किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका, या इस तरह पे ऐसा मान लीजिए एक पॉइंट पर, तो इसका एंगल ज्यादा होगा, तो स्लोप ऑफ A is more than slope of B. A का स्लोप B से ज्यादा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उससे ज्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का वही होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन के लिए ही पूछा हुआ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ B, तो ये तो यही हो गया फर्स्ट पार्ट ही। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि आपको मतलब अब तक तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलता था ये कि उसका स्लोप कांस्टेंट इस तरह का मानते थे, लेकिन स्लोप अभी क्या है, कांस्टेंट ना होकर इंक्रीजिंग है, तो इसका मन कहने का क्या मतलब है, एक्सेलरेटेड होगा ये। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, करा कि द वेरिएशन ऑफ द स्पीड ऑफ अ कार ड्यूरिंग द 2 आवर जर्नी इज शोन इन अ ग्राफ of the figure, the magnitude of maximum acceleration of the car occupied and the interval of, तो किसमें होगा ये, तो velocity versus time का अभी हमने discuss किया कि जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा acceleration होगा उस समय acceleration के लिए, तो यहां पर तो देखिए a to b में constant है, एक कैसा है, यहां b a constant है, तो retardation हो रहा है, यहां पर है, तीन पार्ट है बेसिकली, 0 to a, a to b में तो acceleration ही 0 है इस पार्ट में, ठीक, तो उसको तो सोचेंगे ही नहीं, B टू C हुआ और D टू E हुआ, तो रेस में कौन कौन है, A और A रेस में है, बी सी एंड D, तो आप देखेंगे कि BC का स्लोप ज्यादा होगा, आप ऐसे बना के देख सकते हैं इसका एंगल और इसका एंगल, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि BC इज मोर स्टीपर देन द DE, सो दैट इज वाई BC विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन इन द VT ग्राफ, की पॉइंट इज द स्लोप, स्लोप भी क्या है, हर ग्राफ के लिए अलग अलग है ना, जैसे ST का स्लोप क्या मिलता है, मतलब पोजीशन टाइम का स्लोप विल गिव वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, तो ये कैसा है, वेलोसिटी टाइम का है और हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो उसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उसका, जितना ज्यादा स्लोप से मतलब है जितना ज्यादा स्टीपर होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो इसीलिए ये आपका होगा BC पार्ट में ज्यादा है स्टीपर। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्चुअल अभी क्वेश्चन था, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
which graph of the following figure best represent the variation of the velocity time of a ball which bounce vertically on the hard surface from the moment when it is rebound from the surface. So which graph is the यहाँ पर F नहीं होगा, यहाँ पर कुछ आपका V है. हाँ, अब देखिए, which graph is the following figure best represent the variation of velocity time with the time of the ball which bounce vertically on the hard surface from the moment when it is rebound from the surface. तो velocity versus time का graph है, तो acceleration क्या होगा? Constant. तो slope आपके कांस्टेंट वाले हैं, तो ये दोनों रेस में है, ये और ये दोनों तो ऐसे ही रूल आउट हो गए क्योंकि कर्व दिखा रहे हैं. तो देखो, आप जब बॉल विच बाउंसेस वर्टिकली ऑन द हार्ड सरफेस, जब हार्ड सरफेस पे जब वो आ रहा होगा तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, या मतलब या ऊपर से अगर हम छोड़ रहे हों एट टी इक्वल टू जीरो पर, उसका एट अ मोमेंट उसका वेलोसिटी जीरो होगा. तो जब टकरा रहा होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज, मतलब एट अ मोमेंट जब यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे होंगे तो यू का वैल्यू जीरो होगा ना बच्चों, जब यहाँ से इसको टकरा रहा होगा ये, तो धीरे धीरे इसका स्पीड अप हो रहा होगा, तो यहाँ से स्पीड इंक्रीज किया ठीक. और जब एट मोमेंट जब टकराने के बाद वापस फिर क्या होगा, फिर उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब यहाँ से जब ये रिबाउंड कर रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे 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 अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा होगा तो जीरो हो रहा होगा. तो मैक्सिमम एट अ मोमेंट यहाँ पर है जब वो टकरा रहा होगा, और जब उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा होगा तो एट अ मोमेंट उसका जीरो होगा. तो ये इसका ग्राफ है, तो इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट है ठीक है. अब आइए एक और नेक्स्ट देखते हैं. करा बॉडी ऑफ मास एम इज अ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड वी नॉट. It is goes up and come back at the same point. किसी बॉडी को v velocity, v not velocity से फेंक रहा है, तो जब ऐसे जा रहा होगा तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो गया होगा, v not से इसको ऐसा किया होगा. तो फॉर द मोशन द ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा बच्चों, अगर एक पार्ट के लिए इसको अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए और टाइम. तो एट अ मोमेंट पहले क्या होगा कि डी एक्सलेट कर रहा होगा, ऊपर के जब फेंका होगा तो डी एक्सलेट ही कर रहा होगा ना. तो यहाँ से यहाँ तक कैसा होगा, डी एक्सलेटिंग ग्राफ आपने अभी देखा था पोजिशन टाइम ग्राफ के लिए. और जब उसके बाद रिटर्न जर्नी जब आ रहा होगा तो फिर क्या होगा, एक्सलेट कर रहा होगा, तो उसके बाद एक्सलेट कर रहा होगा, ऐसा इस तरह का बनेगा ठीक है. तो अब उसके बाद तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया. वेलोसिटी टाइम ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लीजिए. तो जब आप उसको फेंके होंगे तो सर्टेन वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, और धीरे धीरे रिटार्डेशन हो रहा है, ऐसा यही होगा. तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा होगा, और फिर उसके बाद या तो नीचे और भेज दीजिए, उसके बाद से नेगेटिव और पहुंच रहा होगा, जब वापस की तरफ आ रहा होगा तो और दो नेगेटिव आएगा, इस तरह से ऐसा चलते जाएगा. मतलब यहाँ पर कुछ माइनस वी नॉट ऐसा डाल दीजिए. फिर उसके बाद एक्सलेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ तो कॉन्स्टेंट है, जी का वैल्यू इस तरह का कुछ मिलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है. उसका स्पीड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा इस केस में, स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. तो अभी अभी हमने पीछे देखा था कुछ स्पीड और उसके लिए, तो इस पे देख लीजिए इसको, स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. तो स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में तो आपने देखा ही था, जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस था, तो मोशन इन वन डायमेंशन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा,
इस केस के लिए, तो और रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो स्पीड वर्सेस टाइम में तो धीरे, अभी क्या हो रहा है कि जेट मोमेंट जब यहाँ से जब इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो वी नॉट तो बहुत ज़्यादा होगा, इधर से वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ इसमें, तो वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा होगा, जैसे जैसे एस कवर कर रहा होगा तो ऐसा हो रहा होगा, और ऐसा कर्व किस लिए बनाया, क्योंकि आपको पता है अभी देखा था कि वी एस स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है तो कर्व में जाएगा, और उसका कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी आप चाहो तो वी नॉट डाल दो, तो जब इस केस में ऐसे आ रहा होगा तब, लेकिन फिर वो ऊपर जैसे फेंक रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, और धीरे 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 क्या होगा, जब वापस जब रिटर्न जर्नी होगा तो वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये तो इसके लिए है, और जब वापस जब जाएगा तो ऐसा बनेगा, मतलब जहाँ से आया था वहीं पर आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ये समझ में आया, या फिर से एक बार बताऊँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हटा दो, नहीं समझ में आया, ये ऐसा कह रहा है कि अगर आपके पास वेलोसिटी और मतलब एक बॉडी को, क्वेश्चन में ओरिजिनली क्वेश्चन ये था, ये देखिए ये कह रहा है कि आपको बनाना है डिस्प्लेसमेंट स्पीड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसके लिए, कि व्हेन बॉडी ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड वी नॉट, तो उसमें वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा, तो वेलोसिटी में आप एट मोमेंट वी नॉट है, और मैंने डिस्कवर किया कि वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, क्योंकि एक कांस्टेंट है हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, जब यहां से फेंकेगा यहां पर आएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ बढ़ते जा रहा होगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो जब ये अपवर्ड जर्नी में है, जब वहां से रिटर्न होगा, जब रिटर्न होगा तो फिर से क्या होगा, वेलोसिटी फिर से जितने से फेंके थे उतने पे ही आ जाएगा, लेकिन इस केस में जब जहां से गया था वहीं पर आ गया, इनिशियल और फाइनल सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, शून्य, तो वापस कितना हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अभी इससे याद आ रहा है कि एक जेई एडवांस में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, वहां पर क्या था कि कुछ रिबाउंड हो रहा था, या तो उस केस में आपको बताना था कि स्पीड वर्सेस डिस्टेंस का, ये तो स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा है, उस क्वेश्चन में क्या है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी, लेकिन वहां पर सपोज एयर रेजिस्टेंस है या उतना बाउंस करके नहीं आ पा रहा है, तो उस इस तरह के या मतलब कि अगर ड्रॉप करके छोड़ दें, अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करके छोड़ने के बाद फिर से उसी हाइट पे तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस होगा, अगर वैक्यूम अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसा ही ग्राफ मिलेगा लेकिन थोड़ा सा छोटा करके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्पीड वर्सेस डिस्टेंस के लिए ग्राफ आपने देखा, ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। एक आइए और एक मास्टरपीस निकालते हैं, क्वेश्चन दूसरा कर है, अ सबवे ट्रेन ट्रेवल बिटवीन द टू ऑफ इट्स स्टेशन स्टॉप विद द एक्सेलरेशन ऑफ द शेड्यूल शोन इन द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो देन द मतलब कर है कि जीरो फर्स्ट 8 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 सेकेंड में एक्सेलरेशन बढ़ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में फिर वो जीरो एक्सेलरेशन पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, फिर डेल्टा टी टाइम में कुछ -2 चल रहा है, तो हमें डेल्टा टी बताया नहीं है लेकिन उसको हम बता सकते हैं, तो ठीक है बच्चों, एक तो ऐसा ऐसा है, तो हमें क्या इसमें मल्टीपल करेक्ट है इस क्वेश्चन में, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द विच द ट्रेन इज ब्रेक टू अ स्टॉप विद द डी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड इज 8 मीटर पर सेकेंड, एक तो इस तरह का ऑप्शन है, और दूसरा आप देखेंगे तो एक इस तरह का ऑप्शन है, द टाइम इंटरवल टी ड्यूरिंग डेल्टा टी नॉट टी डेल्टा टी इंटरवल डेल्टा टी इसकी बात कर रहा है कि कितने देर में ये रुका होगा, या मतलब कि द ट्रेन ब्रेक टू अ स्टॉप विद द डी एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला हम बता सकते हैं क्या कितने देर में रुका होगा, तो हम यहां से एक काम कर सकते हैं कि 0 टू दिस सेकेंड, दिस 0 टू
16 या इसको इतना 24 सेकंड में उसका स्पीड क्या आया होगा, ये तो कर सकते हैं। देखिए जैसे 128 के लिए इसका ये कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड, यही ना, मतलब सिंपल एरिया ले लीजिए, या नहीं तो आप v इक्वल टू u प्लस 80 में चले जाइए तो वो भी दे देगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा वो, ठीक है नहीं तो हमें जंक्शन कर लेंगे, एट t इक्वल टू 0 पे 0 होगा। एक्सेलरेशन कितना है 1 और टाइम है तो 8 आ गया। अब इस वाले में नेक्स्ट 6 सेकंड के लिए देखिए तो 6 × 2 = 12, इसमें तो 12 हुआ होगा। अगर एरिया की बात करें तो उससे आफ्टर 8 सेकंड के बाद अगर फिर से इसका वेलोसिटी निकालें कि एंड ऑफ द दिस यहाँ पर कितना होगा 14 सेकंड में, या इस वाले में 8 to 6 सेकंड में कितना होगा, तो इसका इनिशियल स्पीड 8 होगा प्लस एक्सेलरेशन कितना है 1 और × 6, तो ये कितना हो गया 6। एक्सेलरेशन कितना बच्चों 2 है ना, हाँ वही कहें तो 2 × 6 12 प्लस 8 तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो देखिए आप चाहो तो यहाँ से भी इसका एरिया ले लीजिए 8 मीटर पर सेकंड, या 12 है तो 8 मीटर पर सेकंड, तो इसका एरिया तो एंड ऑफ द दिस 14 सेकंड इस 20 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन से भी यही बता रहा है और ग्राफ से भी यही बता रहा है। 0 to 10 में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो शून्य है, तो उसका एरिया भी 0 होगा। तो मतलब हम एक कह सकते हैं कि 0 to 0 to 24 सेकंड में इसका स्पीड क्या होगा बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, यही ना। अब उसके बाद कुछ डी ब्रेक अप्लाई कर रहा है, कितने से -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अगर वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो कुछ देर में आके रुक जाएगा, तो उसका कितना टाइम होगा, तो इसका इन v इक्वल टू u प्लस अगर 80 करें क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो फाइनल स्पीड इसका क्या होगा 0 और इनिशियल स्पीड इस केस के लिए क्योंकि वो गेन कर लिया होगा फर्स्ट 24 सेकंड में कितना 20 मीटर पर सेकंड, और रिटार्डेशन हो रहा है 2 से, कितना डेल्टा टी होगा यही निकालना है। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों 20/2, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर बताइए इस पार्ट का कि द डिस्टेंस द टाइम इंटरवल डेल्टा टी ड्यूरिंग द विच द ट्रेन ब्रेक्स टू अ स्टॉप विद द डीएक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन इज नॉट 2 meters per second, 3 meters per second, ए टाइपो एरर है, 2 meters per second इज 10 seconds, तो यस, तो आपको 10 seconds में वो रुक जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये सब होने में दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इज 350 meters, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इज 416 meters, तो हमें बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा इस पूरे ड्रामा में। ड्रामा में मतलब कि 1 meter per second से एक्सेलरेट किया होगा फर्स्ट 8 seconds के लिए, फिर अगले 6 seconds के लिए वो एक्सेलरेट किया है 12 meters per second, फिर वहाँ पर कांस्टेंट रहा होगा, फिर फाइनली वो जाकर वो यहाँ पर 10 seconds है, तो आप इसको अब नाउ डेल्टा 10 seconds बोल सकते हैं। तो पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो निकालना है, तो आइए एक एक करके निकालते हैं। तो पहले इसको 0 to 8 seconds के लिए देखेंगे, फिर 8 to next वो इंटरवल में 6 seconds के लिए देखेंगे, तो हमारे पास सब कुछ है, सबका इनिशियल स्पीड हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हमें s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से फटाफट निकालते जाना है। तो आइए तो पहले वाले में देखते हैं s1, इस वाले के लिए कितना है इनिशियल स्पीड, तो कुछ है नहीं 0 है ना, और कॉन्स्टेंटली हो जा रहा है हाफ 80 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0 + 1/2, एक्सेलरेशन कितना था उसका 1 और कितने देर तक चला है 8 स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ से 32 meters। ये आप ये इससे तो कंफ्यूज नहीं है कि 8 मीटर पर सेकंड यहाँ लिखा तो है, इनिशियल स्पीड क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये तो 8 मीटर पर सेकंड एंड ऑफ द 8 सेकंड आया ना, इनिशियली वो उसका कितना होगा 0 meters per second, तो इसीलिए हम उसने वहाँ पर 30 UT + ½ AT² लगाया। एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पर 1 meter per second square, सो दैट इज़ वाई वहाँ पर 1 लिया। अब दूसरे केस में देखिए जब वो नेक्स्ट 6 seconds में होगा तो उस समय का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 2 और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 8, ए वाला लेंगे, ठीक है।
क्योंकि 0 to 8 के बाद जो अब रेस्ट में नहीं होगा, कुछ स्पीड अप हो गया होगा, तो कितना स्पीड अप हुआ, 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखा है पहले से। तो S2 के लिए देखिए UT, तो 8 था, और नेक्स्ट कितने में चल रहा है, 6 + 1/2 और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिलेटेड है इंटू 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया 48, 2 से 2 कैंसिल हुआ 36, तो कितना हो गया 84। ये चीज 8 × 6 हाफ हाफ कैंसिल हुआ, तो 84 मीटर। S3 वाला देखिए, S3 में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इस पार्ट में कि एक्सेलरेशन तो जीरो है यहाँ से, ये देखो यहाँ पर है ना ये वाला पार्ट ब्लू वाला, इसका लाइन एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो उसमें तो वाला 80 हाफ 80 वाला पार्ट तो होगा नहीं, लेकिन अब तक वो 6 मीटर के एंड में कितना हो गया था, 20 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ से 8 आया था और नेक्स्ट में फिर वो गेन कर लिया था 12, तो टोटल एरिया आप यहाँ से भी दिखा देख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हम उसके लिए बता सकते हैं कि नेक्स्ट वो जो 10 सेकेंड में जो चल रहा होगा S3, उसको नाम दे दीजिए S3, तो 20 × नेक्स्ट 10, तो कितना हो गया 200 मीटर S3 में इतना चला होगा। इस वाले पार्ट के लिए देखिए 10 सेकेंड यहाँ का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, जब यहाँ से चला होगा और 20 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड के लिए चला है विदाउट एक्सेलरेशन, तो विदाउट एक्सेलरेशन में क्या होगा बच्चों, हाफ 80 स्क्वायर वाला पार्ट होगा नहीं, ए का वैल्यू जीरो है, तो इसलिए। अब उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है, तो उस समय का स्पीड अगेन वही होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ था 20 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए देखेंगे, तो आइए इसको कर लिया जाए S4, तो S4 हो जाएगा 20 है और अगले 10 सेकेंड में रुका था क्योंकि हमने देखा था ना उसका ए और सी ऑफ मतलब नेक्स्ट जो ये वाला ऑप्शन से इसमें 10 सेकेंड में रुका था, जो एक पार्ट का आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 10 माइनस रिटार्डेशन कितने से हो रहा है, 2 से अगेन माइनस 2 से, तो 2 और कितने में 10 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना जाएगा 200 - 100 = 100 मीटर S4। तो टोटल अगर आप निकालेंगे S4, तो यहाँ से 32, या आप यहाँ से देख लीजिए, देख लो S इज इक्वल टू S1 + S2 + S3 + S4, तो कितना आ गया बच्चों, ये 32 + 84 = 200 + 100, ऐसा सबको ऐड कर देंगे तो 32 + 84 कितना हो गया, वो तो 300 उधर हो गया होगा, 300 प्लस इसका मतलब या 416 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए 416, तो इसका सी और डी मल्टीपल करेक्ट है। तो एडवांस टाइप के क्वेश्चन में, एडवांस टाइप वाले में ऐसा आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप इसमें समझ में आया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया अब तक, मतलब इसके ये वाला लेक्चर है, उसके पहले भी एक और लेक्चर है, तो मेरे ख्याल से कुछ आपको 40-50 क्वेश्चन मिल गए होंगे, और भी मैं इस पर आगे जब इस पूरे चैप्टर को जैसे मोशन इन वन डायमेंशन को समराइज करूंगा, तो इसके अंदर मैं और भी क्वेश्चन डालूंगा मिक्स करके, तो उसके लिए वो आप तो इसको देखते रहिएगा। अब इसके बाद मोशन इन वन डायमेंशन में हमने अब तक क्या क्या कवर कर रखा था वो आपको एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। हमने अभी तक इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, वो सब हमने देखा था। दूसरा पार्ट हमने इसका इक्वेशन वाला देखा था, जो कैलकुलस मेथड का यूज़ करके और फिर उसमें कैलकुलस का यूज़ कैसे करते हैं, वो 3 इक्वेशन देखे थे। फिर उसके अंदर फिर हमने फ्री फॉल देखा था, जब एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटी होगा, रिटार्डेशन और इस तरह का। फिर उसके बाद हमने ये ग्राफ के लिए एक सेक्शन देखा, तो मतलब ऐसा देखा जाए तो 4 टॉपिक है। इसके बाद एक फिफ्थ टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन ऐसे 2 डायमेंशन के लिए ज़्यादा रहता है,
लटी मोशन इन वन डायमेंशन, मेंस टाइप के क्वेश्चन, मेंस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको अभी इसके इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद जो मतलब ये चार टॉपिक था, मतलब वो सब सारे काइनेमेटिक्स में उधर आपके तीन टॉपिक हो गया, और ये फोर्थ वाला ग्राफ था। इसके बाद फिफ्थ जो होगा रिलेटिव मोशन के लिए देखेंगे, तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के लिए जाएंगे, ठीक है। टू डायमेंशन को अगले चैप्टर में करेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन जब करेंगे तो उसके लिए होगा, तो जहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन आपको एक्चुअल मिलेगा। और ये वाला इस रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में मेंस पार्ट के लिए होगा, मतलब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इरोडोव के एक दो क्वेश्चन उसका लेने के लिए, ठीक है। तो आ जाइए।